तारे आखते ने देख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। श्राद्ध का पक्ष चल रहा है तो अज असी दसन जा रहे हैं कि ज्योतिष के मुताबिक की महत्व हैगा। पूरा का पूरा संसार जिहड़ा 12 राशियों के वंडिया होया, सो मेष राशि जिहड़ी हैगी है उहनू आपां कहिंदे आ एक साढ़े संसार का एंट्री, जबकि मीन राशि जिहड़ी उहनू एग्जिट कहिंदे आ। सो मीन राशि जिहड़ी आ ब्रह्म लोक या देव लोक नाल जुड़ी हुई है, जबकि कन्या राशि जिहड़ी आ पित्तर लोक दे नाल या चंद्र लोक दे नाल जुड़ी हुई है। तुहानू सारयां नू पता है कि 15 जुलाई तो बाद सूरज जिहड़ा है वह दक्षायन होना शुरू हो जाता है। सो दक्षिण दे विच उहनां दी यात्रा होनी शुरू हो जाती है। हौली हौली सूरज देवता कन्या राशि दे विच तुला राशि दे विच आते हैं तो उस टाइम के उत्ते जिहड़ा पित्तर पक्ष है वह जागना शुरू होता है। सो जो सूर्य देव दक्षिणायन दे विच पहुँचते हैं तो उन्हां दी एनर्जी जिहड़ी है बहुत घटनी शुरू हो जाती है। सो इस लई साडी रक्षा दे विच इस समय जिहड़ा चतुर्मासा हैगा उहदे विच गुरु पूर्णिमा तो शुरू करके जिहड़ा है असी पर्यूषण, फिर गणेश जी का पर्व शुरू होंदा है, गणेश चतुर्थी आ जाती है, नराते आ जाते हैं, इस सारे त्यौहार मनाने शुरू होंदे आ, ताकि जिन्हें भी साधक है अपनी साधनावां करते हैं अपने एनर्जी लैवल नूं बहुत ज़्यादा बताते हैं। फिर दिवाली का जो तो टाइम आता ना, सूर्य देवता उदो नीच अवस्था च होंदे आ तुला राशि दे विच, उस समय सूर्य देव की जिहड़ी ताकत एनर्जी बिल्कुल खत्म होंदी है। जो वह खत्म होंदी है तो जिन्नियां भी शक्तियां आत्मावां प्रेत पक्ष वह सारा कुछ जागृत हो जाते हैं, तो पृथ्वी के पासे जिहड़ा है चारों पास्यों उदां दीआं शक्तियां घेरदियां शुरू कर दीआं। इसे लई ही आपां उहनां दिनां विच मां काली जी की भी पूजा करते हैं। दक्षायन दे विच सूर्य जिहड़ा है अताल, विताल, सुताल, रसाताल, तलाताल, महाताल ते पाताल इन्हां लोक दीआं यात्रावां करते हैं। इन्हां नूं सत लोक अधो लोक आपां कहिंदे आ। सो इह सारियां जिहड़ियां चीज़ां दा बहुत ही इंपोर्टेंट है जाननियां, क्योंकि जदों सूर्य देव कन्या राशि दे विच आंदे आ तद भादों महीने की पूर्णमासी आ जाती है, तद प्रेत लोक जरा जागृत होना शुरू हो जाता है, तो प्रेत लोक की जिहड़ी है 15वीं कला के दरवाजे खुलते हैं ऐसा मनिया जाता। तो चंद्र के श्राद नाम दिया विशेष किरणा के सहारे ही कहते हैं प्रेत आत्मावं उत्थे निवास कर दिया ते पृथ्वी के उत्ते आदि है। सो इस तरीके ही जड़ा है प्रथमा यानी कि पहली तरीक जी उदन कहते हैं कि पहली कला का द्वार खुलता है, तो उतों के निवासी जड़े अपने परिवार को मिलन आते हैं। यह मनिया जाता है कि जो भी श्राद्ध के 16 दिनों के 16 कलावं जागृत होंगे तो हर रोज़ एक तारीख जागृत होंगी है श्राद्ध दियाँ किरणा के नाम के नाल। श्राद्ध पक्ष जड़ा यदा नाम रख्या गया है, सो शरदा दियाँ किरणा के मुताबिक। सो चंद्रमा का मतलब होंगे दुध के चावल, ये होने वाले श्राद्ध जड़े है उहदे विच दुध नूं पका के चावलों नूं पका के खीर बनाने का बहुत महत्व है, कि तां ही कहिंदे श्राद्धां च खीर जरूर खवानी चाहीदी है। दूजी गल है सूर्य देव जिहड़ा है उदय होण तों लैके मध्यकाल तक दा जिहड़ा समां है उहनां दा उह राहू संभालदा ऐसा मन्निया जांदा है, जबकि मध्यकाल तों लैके सूर्य अस्त टाइम तक दा जिहड़ा टाइम हैगा उहनूं केतु संभालदा ऐसा मनदे आ। राहू केतु दोनों की सीगे राक्षस सीगे, जदों अमृत मंथन दे टाइम उहदा सिर वटता गया सीगा। सो ये दोनों राक्षस जिहड़े आ ये प्रेत लोक दे उत्ते कहिंदे आ कि इन्हां दा पूरा कंट्रोल हुंदा, इसलिए दुपहर दे 12 बजे दे आस पास जिहड़ा मध्यान काल दे विच जदों राहू केतु दी ड्यूटी चेंज हुंदी है ऐसा कहा जांदा कि उदों 12 बजे दोपहर दे आत्मावां जिहड़ियां अपनियां इच्छावां नूं पूरियां करन दे लई साडे घरां दे विच आउंदियां। यही कारण है कि आपां श्राद्ध दा जदों खाना खिलाउंदे आ किसे नूं दोपहर दे 12 बजे बुला के खवाउंदे आ, तो बहुत सारे लोग जिन्हां दे नाल 12 बजे ही दोपहर के अदृश्य हरकतां होंदियां उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग वह दसते हैं, वह सारा कुछ उदों दा हुंदा सिस्टम, प्रेत आत्मा भी उदों जागृत हुंदियां है। सो दोस्तों 15 सितंबर तो जो सूर्यदेव कन्या राशि के आते हैं तो सुतल दे विच ते तुला दे विच जड़ा रसाताल दे विच यात्रा करते हैं, तो जड़े प्रेत लोग नूं कहिंदे जागृत करते हैं। मौत तो बाद इंसान के लिए दो तरह दीआं गतियां होंदियां, पवित्र गति ते संत आत्मा जड़ी हुंदी है वह देव लोक वल जांदी है, ते जिहड़ियां भी आत्मावां वासना दे नाल जुड़ियां हुंदियां वह हमेशा जड़ा है पितर यान दे तरफ जांदियां, यानी कि प्रेत पक्ष के आदि है। सो देवयान का संबंध सूरज के नाल है, पितरयान का संबंध जो चंद्रयान के नाल है, सूक्ष्म चंद्र जो है वह जगत को संभालता है, चंद्र लोक में भी आप पितर लोक कहते हैं। शास्त्रां चंद्र दी 16 कलावां दसिया गई, ये 16 कलावां 16 तारीखों के नाल जुड़िया जिदे पूर्णमाशी ते अमावस ते बाकी 14 तरीक यानी कि 14 श्राद्ध, पूर्णमाशी ते अमावस का श्राद्ध,
मौत के बाद कहा जाता है कि आत्मा अपनी मौत की तारीख के मुताबिक कहना 16 तरीकों के किसी एक कला के निवास करती है। जिदा जिंदी मौत जी है पहली तारीख में होंगी है, वह पहला श्राद हों पंजी तारीख से होंगी है, पंजवा श्राद हों पूर्णमाशी को मौत होंगी है, तो फिर पूर्णमाशी को श्राद आप मानते हैं। सो अमावस को मौत होंगी तो अमावस को श्राद मानते हैं। इस तरह एक ही कला के जोड़ा है नीचे तो लैके उपर तक किनिया ही सैक्शनस होंगे है कक्षावान। सो जड़ी भी माड़ी आत्मा होंगी वह एकदम निचली सैक्शन के आती है, जी अच्छी आत्मा होंगी है वह उपरले सैक्शन निवास करती है। सो आत्मा बारे होर थानू थोड़ा दस दें, लेकिन बूटे लाने ना भुलियो। जिन्हों के भी बजुर्गों के जेडे दिन से डैथ हुई सी, जो तुम अजे तक बूटे नहीं ला पाए उन्होंने याद के, तो तुम कम से कम मस्या वाले दिन बूटे जरूर लगाओ। जो लगाओगे थोड़े बजुर्ग थानू बहुत दुआवां देंगे, पक्का यकीन करो। श्राद्ध के दिन जड़ा है हर मृत आत्मा अपने परिवार जनों के घर आती है, ऐसा मनिया जाता है। जो देखते हैं कि उन्होंने नाम से दान पुन पाठ पूजा हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है चंगा, तो वह तृप्त होकर उन्होंने आत्मावान जड़े अपने वंशज है उन्होंने आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो जो लोग मृत आत्मा के लिए श्राद्ध नहीं करते या कुछ भी उन्होंने नहीं करते, तो वह मृत आत्मावान निराश होंगे, उन्होंने श्राप दे के वापस जाती है, जिसका फल परिवार को अवश्य भुगतना पैदा है। साढ़े को बहुत सारे परिवार है जोड़े कहते श्राद्ध नहीं करते, तो बेचारे बहुत कष्ट है। बहुत सारे लोग जोड़े श्राद्ध कर लग गए, असी देखा कि बहुत सारे ठीक भी हुए। वापस गई हुई मृत आत्मा मस्या को एक बार फिर तो अपने घर श्राद्ध के लिए जरूर आती है, ऐसा मनिया जाता है। सो किसी भी अपने परिजन की तारीख जिन्हों याद ना हो, तो सर्व पितरों के अमावस में ही श्राद्ध किया जा सकता है। तो ज़्यादा तीन पीढ़ियां, तो घट्टो घट्ट दो पीढ़ियां तक असी अपने बुजुर्गों को जरूर याद रखिए। श्राद्ध के दिन जड़ा है किसी भी धार्मिक पुरुष को आप भोजन खिला सकते हैं, जो वह ना मिले तो गां भी भोजन खिला सकते हैं, लेकिन शाम के समय जड़ा है नहीं करना, दोपहर के समय करना। तो अजक जरा हालांकि बहुत घट लोग इदा करते हैं, लेकिन जोड़े बहुत मानते हैं वह जल के नाल तर्पण कर भी महत्व करते हैं। रामचरित मानस के ऐसा उल्लेख है कि भगवान राम जी ने भी भगवान अपने पिता जी दशरथ जी का श्राद्ध किया, तद जड़ा है सीता जी को अपने सारे पितरों के दर्शन हुए थे। श्राद्ध सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि एक सच्चाई हैगी है, गुरु की कृपा जरूर चाहिए है, जो थोड़ा गाइडेंस मिल के सब कुछ अच्छा हो सके। फिलहाल पितर पक्ष के जिन्हें भी नैगेटिव एनर्जीज होंगे उन्होंने कट्टन के लिए विशेष तौर पर साड़ी धूनी जड़ी है तुसी दे सकते हो। सो ज़्यादा लंबा हो गया अज का एपीसोड, साढ़े नंबर स्क्रीनस से है, मिलना हो वेलकम है थोड़ा, कल फिर मिलेंगे एक और नवे विषय के नाल। नमस्कार।